औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त 25 मई 2022 बरोज बुध मैं जिना अस्पताल के शोबा हादसात इमरजेंसी के बाहर मौजूद हूं और ये देखिए इस वक्त आवाम की खिदमत के लिए आवाम के पैसे को आवाम के लिए खर्च करने के लिए अल खिदमत की ये वाटर वैन, मैंने पहले भी एक मरतबा ये फेसबुक पर डाली थी कि ये ऐसा मुनफरद आइडिया है ये वाटर वैन का कि पानी बेहतरीन आप पी के देखें और इतना बेहतरीन ये पानी बिल्कुल फिल्टर्ड वाटर है और ये ठंडा पानी जिना अस्पताल में इस गर्मी के अंदर हीट स्ट्रोक के इस टाइम पे अलखिदमत ये प्रोवाइड कर रही है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह पानी पिलाने का ये हर तरफ जाए, अलखिदमत में इस पे तआवुन करें। ये प्रोजेक्ट अगर चलता है शहर के अंदर तो हीट स्ट्रोक के जो असरात हैं वो कम से कम हो सकते हैं, आवाम को सस्ता पानी मुफ्त का पानी इंतहाई अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल हो सकता है। यहां मैं देखता हूं कि लोग 30-30 रुपए की 250 ml की 300 ml की बोतलें लेके अपने मरीजों को और जो उनसे मिलने आ रहे हैं रिश्तेदारों को, जो हादसात में लोग आ रहे हैं, वो जो पेशेंट के लोग वेट कर रहे हैं, जो यहां बिल्डिंग बन रही है उसके मजदूर और यहां हजारों लोग आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कैपेसिटी की वाटर वैन है, ऐसी कई वैन्स हर अस्पताल के बाहर होनी चाहिए। सिविल अस्पताल है, जिना अस्पताल है, जिना अस्पताल में भी एक वैन जरूरत पूरी नहीं कर सकती, इतना बड़ा अस्पताल है। NICVD है, NICH है, जिना अस्पताल की इमरजेंसी है, एडमिशन वार्ड्स हैं और ये हजारों रुपए लोगों के रोजाना पानी पे खर्च होते हैं। तो इस सिलसिले में अलखिदमत से तआवुन कीजिए, अलखिदमत के साथ आप डोनेशन दीजिए ताकि ऐसी मोबाइल वैन हम ज्यादा से ज्यादा बना सकें। आप ये देखिए कि मुसलसल लोग आ रहे हैं पानी पीने के लिए और गारंटीड बहुत अच्छा फिल्टर पानी यहाँ मुफ्त लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। जजाकल्ला।